हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह और आज हम देखने वाले हैं सर्ट्स एंड डैशेस का अगला क्वेश्चंस। प्रीवियस जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया था उसमें आपने देखा था सर्ट्स एंड डैशेस के कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस अभी आपके सामने हैं। बीच में थोड़ी वीडियोज हमारी डिले हो गई, आने में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अभी सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं। आपको अब रेगुलर वीडियोज अपलोड मिलेंगे सारे फैकल्टीज के, ठीक है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, रेलवे वगैरह का और SSC का, जो CGL, CHSL, बैंक, SBI, PO का वैकेंसी आ गया। हमारी कोशिश है कि SBI के लिए एक स्पेशल सीरीज अब बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाए, स्पेशली फॉर द DI सेक्शन के लिए एक स्पेशल सीरीज हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, ये सारे वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी न किसी रेलवे एग्जाम से पूछे आ चुके हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो आपको इसका आइडिया होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे रूट टू प्लस के फॉर्म में दिया हुआ, और ये रूट सिक्स वाला फॉर्म में भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका दो तरीका है। पहला मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ कि इसका एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं 1 अंडर रूट 1 प्लस 4x/2। मतलब क्या है, when y = √x + √x + √x... देन y = 1 + √1 + 4x/2। मीन्स ये क्या हो गया, देखो 1 प्लस अंडर रूट का मीनिंग क्या हो गया आपका, 1 + 4x यानी 1 4 × 2 / 2। मतलब क्या हो गया, देखिए 1 + ये कितना हो गया आपका रूट में 9 यानी 3 / 2 कितना हो गया 4/2 = 2 यानी आपका 2। और ये ऑप्शन नंबर आपको दिया है, ऑप्शन नंबर ए था 1, बी था 2, सी था 2 + √2 एंड डी था 2√2। ये RRB महेंद्रू घाट पटना नॉन टेक्निकल में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन के हिसाब से ऐसे करेंगे। और ये सेम क्वेश्चन एक बार RRB कोलकाता गुड्स घाट 2002 में पूछा गया था, वहां पे ऑप्शन में थोड़ा सा फेर बदल है। क्या है, वहां पे आपसे पूछता दिया हुआ है x = सेम चीजें रिपीट की गई है, यहाँ पास जोड़ दिया है x = √2 + √2 + √2। मतलब समझ रहे हो, ये अगर इसको हटा दूं मैं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा हो जाएगा, x = सेम चीज है, सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ ऑप्शन में आपको दो रूट निकालना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है और इसका दो रूट आपको निकालना है। वो दो रूट क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए है 2 - 1, ऑप्शन नंबर बी है -2 - 1, ऑप्शन नंबर सी है 3, 2 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2, 5, ऑप्शन नंबर ई है -2, 1। समझ में आया बात, ये पांच ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, सेम सवाल है बट बनाने का तरीका बदल जाएगा, क्लियर है। जब सिंपल वैल्यू पूछे एक्स नहीं रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल कर दीजिए, एक्स रहेगा तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें करना है। मतलब अभी इसमें पूछ दिया कि दो रूट क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मिटा दो इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ आपको राइट 2 √2 √2 and so on x = हम क्या करते हैं, आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² = ये आपका 2 + x, ये हम फॉर्म में लिख देते हैं, समझ आया कि नहीं बात। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये क्या है आपका, इसका वैल्यू x है ना, तो ये x हो गया। जब आप स्क्वायर कीजिएगा, जब स्क्वायर किया तो एक जो रूट टू लिखा हुआ है, इस रूट टू को आप क्या लिखेंगे 1/2, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा कि नहीं, वही एक 2 हो, और ये जो x है रिमेनिंग जो आपको बच गया, वो x हो गया, समझ में आया बात। ये 6 के फॉर्म में भी आता है, यानी x² = 6 + x, क्लियर है। अब देखो कुछ नहीं, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, x² = 2 + x है, x² - x और -2 = 0, समझ में आया कि नहीं बात। ये क्या हो गया आपका, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जो कि दो रूट देता है अल्फा एंड बीटा। अभी IB का एक एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के कि बताइए इसका सम ऑफ द रूट क्या होगा। इसमें दो चीजें पूछी जाती है, एक सम ऑफ द रूट और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a, याद रखिएगा, ऐसा सवाल आता है IB में रिसेंटली पूछा गया था असिस्टेंट के एग्जाम में।
That is what sum of the root minus b by a and product of the root c by a. क्लियर है सबको? चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं राइट, यानी क्या हो जाएगा 2x2, ये 2x2 हो गया. अब देखो इस x को ऐसे आप क्या बोलते हैं उसको, ऐसे आप स्प्लिट कीजिए, इस x को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि जब आप इसको प्लस प्लस करें या प्लस माइनस करें या माइनस माइनस करें या माइनस प्लस करें, वैल्यू x आना चाहिए. और उन दोनों वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए. यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट. समझ आया बात? देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. क्यों? माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस टू माइनस वन वन होता है कि नहीं, चूंकि माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस एक्स इसका आंसर आएगा. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अब देखिए अब अगला स्टेप क्या होता है. एक्स स्क्वायर माइनस या डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए कितना x क्या बच गया, x माइनस टू प्लस वन कॉमन निकाल लीजिए x माइनस टू इक्व टू जीरो, यानी दो रूट हो गया. पहला रूट क्या हो गया, x प्लस वन इक्व टू जीरो और x माइनस टू इक्व टू जीरो, यानी x का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन और x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे टू, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर टू माइनस वन, यानी ऑप्शन नंबर ए टू माइनस वन. क्लियर बात? इसको स्प्लिट क्या होता है कि एग्जाम में आप इसको मत लिखिएगा, उसका क्या तरीका है जब बैंकिंग में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसको कैसे एक्चुअली सॉल्व करना होता है. ठीक है, देखे समझे, ये सवाल बार बार रिपीट होता है. चलिए देखिए इसके बाद यहां से क्या करना होता है. देखिए यहां से क्या करते हैं, पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, स्प्लिट द टर्म. जैसे आपने स्प्लिट किया तो कितना आ गया माइनस टू प्लस वन. क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस देता है और माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा. ठीक है, क्या वन, माइनस वन. यहाँ एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको. देन स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्या बोला मैंने, डिवाइड बाय द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बंधु एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है यहाँ बताइए जल्दी फटाफट फटाफट, कितना है वन, यानी माइनस टू डिवाइड बाई वन और ये क्या हो गया वन डिवाइड बाई वन. क्लियर बात? अब देखिए थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थ्री, चेंज द साइन. क्या बोलता है, चेंज द साइन, साइन चेंज कीजिए, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कितना आ गया प्लस टू, ये कितना आ गया माइनस वन, यानी दो रूट मिला के नहीं प्लस टू एंड माइनस वन. क्लियर सबको? देखिए लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करते जाइए, एक नोट्स बनाते जाइए. ठीक है, मिटाता हूँ इसको. चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर. क्वेश्चन नंबर टू और आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर टू. क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, दो ब्रैकेट का इस्तेमाल है, एक बिग ब्रैकेट है एक स्मॉल ब्रैकेट है, रूट फाइव एक्स पावर माइनस थ्री बाई फाइव और ये माइनस फाइव बाई थ्री और फाइव. देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होगा, देखिए एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई फाइव राइट इन टू क्या हो गया ये वन बाई फाइव. ये वाला ये फॉर्म देखो, ए टू द पावर एन होता है, यानी क्या होता है ए टू द पावर इन टू एम इन टू एन होता है कि नहीं, तो ये हो गया इसका, यानी इसका वाला हो गया ये हो गया. देन कितना आ गया देखिए, अगेन आपको क्या दे रखा है, ये थ्री बाई फाइव हो गया और ये वन बाई फाइव हो गया. फिर क्या दे रखा है, माइनस माइनस कितना फाइव बाई थ्री, फिर क्या दिया आपको फाइव. समझ में आ गया बात? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फाइव फाइव ये फाइव ये फाइव गया, ये थ्री थ्री गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी एक्स का पावर वन, वैल्यू कितना आ जाएगा वन. आपसे क्या पूछ रहा था इसमें, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा एक्स, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा वन बाई एक्स, सी बोल रहा एक्स स्क्वायर एंड डी बोल रहा एक्स पावर फोर, तो कितना हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. अगला सवाल, चलिए मिटाता हूँ इसको. अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है 16. देखिए इसको देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें ऐसा था कि बेस वैल्यू जो था वो ज्यादातर लोगों का, मतलब ज्यादातर इक्वेशन का बेस वैल्यू सेम था, यानी ए ए ए ऑलमोस्ट का सेम था. तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फोर का पावर टू का पावर 0.36 राइट इन टू, फोर का पावर कितना होता है, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर जा सिक्सटी फोर, फोर जा कितना होता है 56, यानी कितना टाइम गया फोर टाइम्स. ठीक है ना, ये देखिए ना, एक दो तीन चार, चार चौका सोलह, चौका चौसठ, चौसठ चौका 256. ठीक है, तो फोर हो गया ये 0.06
07, राइट। अब देखो ये क्या है आपका, ये है a टू द पावर m टू द पावर n, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ये कितना आएगा, 36 गुना 72, यानी 4 का पावर 0.72। ये भी सेम है, यानी कितना होगा, 4 का पावर 0.28, 7 चौक 28। अब देखो दोनों सेम हो गया, बीच मल्टीप्लाई का साइन है, ये क्या होगा a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर एन, यानी ये क्या होगा a टू द पावर m प्लस एन। यार बहुत आसान है, रेलवे निकालना बहुत आसान है, ठीक है आप कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, 4 का पावर 0.72 प्लस कितना हो गया 0.28, ऐड कर दीजिए, 4 का पावर कितना हो गया 8 प्लस 2 10 का जीरो हाथ लगाए 7 2 9 1 10, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 2, पॉइंट के बाद कितना आएगा 2, यानी 4 का पावर 1 कितना हो गया आंसर 4। और ये ऑप्शन कहाँ दिया है भाई, सवाल कहाँ से मिला था मुझे, और ये क्वेश्चन है आपके, और इसका आंसर है आपका कितना 4। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा सर्ट सेंडेसिस वाला। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, मिटा दो इसको, चलिए ठीक है लिख लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको लगे, बट समझते जाइए और करते जाइए, एग्जाम लिखते जाइए। हम लोग का क्या होता है, थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस भी रहते हैं बहुत सारे दिन, तो थोड़ा सा टाइम निकालना ही मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस अवेलेबल कराया जाए, हर एक सेगमेंट का, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए इसी बात पर अगला सवाल, 4 पावर x = ये रूट दिया हुआ है 2 का पावर 3 और ये y दिया हुआ है, ठीक है ऐसा दिया हुआ है, देखिए ऐसा दिया हुआ है, चेक कर रहे हो भाई सवाल को बराबर है नहीं, ये 3 के पास y होना चाहिए, ठीक है ये 3 के पास यहाँ y होना चाहिए, ये जो है ये y यहाँ होना चाहिए पक्का। 2 का कहा गया क्वेश्चन में, ये आपको आरआरबी भुवनेश्वर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एवं ईसीआरसी परीक्षा, इसमें ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं समझ में आया क्या किया जाए, दोनों साइड आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर बात, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, देखिए 4 का पावर x का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा 2 का पावर 3 वाई सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इस रूट का मीनिंग होता है 1/2, और जब आपका मान लो 3 रूट दिया हुआ है और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का पावर 1/2 का पावर 2, यानी अल्टीमेटली क्या आता है 3 आता है भाई, क्लियर बात। तो देखिए अब इसको कर दीजिए, यानी क्या हो गया 4 का पावर 2x = 2 का पावर 3y। अब चूंकि बेस इसका अलग है इसका अलग है तो इक्वेट कर देते हैं बेस, यानी ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2 का पावर 2 का पावर 2x मतलब क्या होगा 2 का पावर 4x = 2 का पावर 3y, क्लियर बात सबको, यहाँ तक दिख रहा है ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा, देखिए 4x = 3y, अब आपका जो आंसर दिया हुआ है वो x के फॉर्म में, मतलब क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर ए x = 3/y, ऑप्शन नंबर बी y = 3/4x, ऑप्शन नंबर सी x = 3y एंड ऑप्शन नंबर डी x = 1/3y, यानी x = किसमें बोल रहा है आपका 3/4y, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, जस्ट हमें ऑप्शन के साथ चीजों को एडजस्ट करना होता है, क्लियर बात ये, ओके होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा इसको, सौ इस तरह का सवाल सॉल्व करते जाइए, बार बार एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ, अब अगला सवाल, देखिए क्या बोलता है, ऐसा दिया हुआ है राइट, 3 a का पावर क्यूब, बस इतना ही है क्या, कहा गया हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसका, ऑप्शन नंबर ए है a, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है a 1/3, ऑप्शन नंबर डी है a का पावर क्यूब, ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐसे दिया हुआ राइट। अब देखिए पहले इस पार्ट को अगर आप लेते हैं, ठीक है इस पार्ट को आपने लिया तो क्या होगा, देखिए a का पावर 3 का पावर कितना हो गया 1/3, ठीक है देन इस पार्ट को लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट बड़ा वाला कर देते हैं, ठीक है ये कितना हो जाएगा 1/3, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, देखिए a टू द पावर m टू द पावर n वाला सीक्वेंस हो गया, यानी ये क्या होगा a का पावर 3 पावर 1/3 पावर 1/3, यानी 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया अल्टीमेटली a का पावर 3, क्लियर बात, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी a का पावर 1/3, क्लियर बात। तो आज के लिए इतना पे रोकते हैं, फिर अगले लेक्चर में और कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस लाने के लिए, और
लेक्चर कंटिन्यू आएगा, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। उम्मीद करते हैं सब चीज़ ठीक हो गई है, सब चीज़ें फटाफट आपको लेक्चर डिलीवर चालू हो गए। तब तक आप पढ़ते रहिए, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जिस पर डाउट है, कोई स्पेशल टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में मेंशन कीजिए, उन चीज़ों को हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।